शाबाश शाबाश रिंकू शाबाश, बहुत कम वक्त में तू बहुत अच्छा शूटर बन गया है। आज ड्रैगन आएंगे तो देखकर वो भी खुश हो जाएंगे। ड्रैगन सर सच में आने वाले? हाँ, लेकिन एक बात याद रख, ड्रैगन की एक खासियत है, जो उसे भा गया उसकी वो जिंदगी बना देता है। साल से इस घड़ी का इंतजार था मुझे। एक बार ये ड्रैगन हाथ लग जाए, इसे जिंदा जमीन के अंदर काट दूंगा मैं। साथ साथ इसके साथ मुठभेड़ हुई थी क्या? मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त विराज के साथ। विराज? हाँ, मेरा दोस्त। बहुत साल पहले जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो वहां विराज से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हम लोग। दोस्त क्या, मेरा भाई था वो। सब कुछ खत्म हो गया इस ड्रैगन की वजह से। इस ड्रैगन ने विराज को जान से मार दिया। देश से आतंकवाद को मिटाने के मिशन में विराज देश के लिए शहीद हो गया। एक दोस्त का अधूरा काम एक दोस्त ही पूरा करता है। आओ आओ मिस्टर डेंगरुला, आओ। हथियार लाए हो? ड्रैगन कहाँ है? तुम कौन हो? बहुत जल्द ड्रैगन भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। इसी का इंतजार था मुझे, ड्रैगन की मुलाकात का। ड्रैगन, मेरे हथियार लाए हो? लाया। अच्छे तो है ना? जिस तरह के हथियार मैं तुम्हें दे सकता हूं दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। एक बात पूछूं? इससे पहले किससे हथियार लेते थे? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं असली ड्रैगन हूं कि नहीं? बड़े समझदार हो। ड्रैगन को आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम इन सब की आंखों में खौफ देख रहे हो ना? ये खौफ तभी है जब असली ड्रैगन आता है। तुमसे पहले रोको नाम का आदमी मुझे हथियार सप्लाई करता था। रोको? अच्छा,
तो फिर ड्रैगन, इसके बाद किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब 5 सेकंड बाद पता चलेगा। लेकिन पंकज लेके जाओ इसे। क्या हुआ दया? सब सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, आप ड्रैगन से नहीं मिल सकते सर। पंकज, मेरे रास्ते से हट जाओ। सर, जितने भी हथियार मिले हैं आधे से ज्यादा चलते नहीं है, जैम पड़े हुए। वही तो। ये क्या ऐसे पुराने हथियार? और इन पुराने हथियारों को लेकर अपने नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर, जितने भी हमले किए ड्रैगन ने, सब में मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस ट्रेनिंग में ये पुराने हथियारों का इस्तेमाल क्यों करेगा सर? और सर, ये सारे नए आतंकवादी बिल्कुल नौसिखिए, कॉलेज के गुमराह किए गए बच्चे हैं सर। और तो और सर, इतना खतरनाक आतंकवादी ड्रैगन इतनी आसानी से हाथ में आ जाएगा, यकीन नहीं होता सर। वही तो। और फिर ये देखो, इतने कम हथियार हमें इस मुठभेड़ में मिले हैं। कैसे हो सकता है कोई आतंकवादी संगठना इतने हथियारों को लेकर कोई हमला प्लान कर सके? हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ पंकज, अगर तुझे लगता है कि खामोश रहने से तू बच जाएगा तो ये तेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। तूने हमारे देश के साथ जो किया और मेरे दोस्त विराज के साथ जो किया, उसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा ड्रैगन। तुम अंदर आए कैसे? सर, वो मैं ड्रैगन से सच खुलवाने के लिए। पंकज ने तुम्हें बताया था ना कि बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं आ सकता? तो फिर क्या तुम इतने सीनियर बन गए कि मेरी ऑर्डर भी मानने को तैयार नहीं? I'm sorry sir. Sorry sir. Sorry बोल दिया और हो गया? सर, मैं बात करता हूँ। अब ये बिना वजह की तरफदारी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी हालत में आज मैं जान कर ही रहूंगा दया।
कि तुम्हारी इसके साथ ऐसी क्या आपसी दुश्मनी है जो तुम मेरे ऑर्डर को भी तोड़ने को तैयार हो गए। ठीक है सर, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, आज से 7 साल पहले 30 जून 2006 को राज, मैं सोचा तू जाग रहा होगा। मैं तो सोच के आया था कि आज साथ में बैडमिंटन खेलेंगे, याद है ना पिछली बार तूने हराया था मुझे, हाँ आज मैं जीतूंगा। चल। क्या हुआ? अरे तू डॉक्टर साहब की बात का यकीन मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे अपने दोस्त पे भरोसा है ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा, कुछ नहीं होने दूंगा। विराज क्या हुआ? कुछ बोलना? मेरी मौत को बदला जरूर ले, ले। विराज, विराज। उसी पल मैंने सोच लिया सर, इस ड्रैगन को पकड़ के विराज की मौत का बदला जरूर लूंगा। दया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, मगर भावनाओं में बहकर कानून को अपने हाथ में लेना तुम जैसे सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं सर, पर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं अपने आप से दुश्मनी के लिए आपके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। माना कि मेरे अंदर मेरे दोस्त की मौत का गुस्सा आज भी है, पर मैं जो कुछ भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर करूंगा सर। गुड सर। कोर्ट से वकील आया है ड्रैगन वाले केस के बारे में बात करने। ब्यूरो में लेकर आओ उसे। यस सर। सर आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। तुम जरा बाहर जाओ। जब तक तुम्हारा ड्रैगन हमारे सवालों का जवाब नहीं देता उसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए आप उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इस केस की तहकीकात इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। आप मुझे अगर इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ ना समझाएं तो बेहतर है, हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है आपका ड्रैगन, समझे, आतंकवादी है वो। कहाँ है मेरे पति? बोलिए, बताइए। एक मिनट मैडम, आप प्लीज शांत हो जाइए, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या हुआ आपके पति को? 2 दिन से मेरे पति घर नहीं आए हैं, पता नहीं किस हालत में रखा है आपने उन्हें। हम आपके पति को कब लेके आए? आप इधर लेके गए थे उन्हें ऑफिस से 2 दिन पहले, ये कहकर कि उन्हें कुछ घंटों में छोड़ देंगे, लेकिन अब 48 घंटे हो गए हैं। कौन है आपके पति, क्या नाम है उनका? नरेन कुमार, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। नरेन कुमार इंडस्ट्रियलिस्ट? नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, हमने ऐसे किसी भी नरेन कुमार को उठाकर नहीं लाए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं मुझे पता है कि आप सीआईडी वाले उन्हें यहाँ लेके आए हैं। अगर हम आपके पति को यहाँ पे लेकर आते तो ये बात आपसे छुपाते क्यों? सर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? सर ड्रैगन मर गया है। ड्रैगन मर गया? माय गॉड, हमसे देखो जरा। किसने हा? किसने मारा इसे? और कौन मारेगा, वही होगा आपका दरवाजा तोड़ सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैडम, मैडम, सर लगता है लाश लेके बेहोश हो गई, इसको डॉक्टर को दिखाओ जल्दी, ले जा। पंकज तुम्हें पूरा यकीन है दया के जाने के बाद कोई और नहीं आया इस कमरे में? नहीं सर, मैं बाहर ही खड़ा था, मगर जब दया से रूम से बाहर आए तो क्या सर,
उनके हाथों पे खून लगा हुआ था। अभिजीत यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता दया मेरे ऑर्डर तोड़ सकता है। मैंने आप सभी मीडिया वालों को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि उस सीआईडी का घिनौना चेहरा आप सब लोगों के सामने ला सकूं, जिसे इस देश के भोले और मासूम लोग न्याय और कानून की चौखट मानते हैं। तो क्या आप सीआईडी के बारे में कोई खुलासा करने वाली हैं? जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिसमें शायद आपको एक औरत के दर्द का पता चले, अपने पति को खोने के दर्द का। लेकिन अपने पति को खोया किसने? नहीं हूँ वो अभागिन जिसका पति सीआईडी की बेरहमी का शिकार हो गया। क्या नरेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, दो दिन पहले कुछ सीआईडी वाले उन्हें उनके ऑफिस से बेवजह ले गए, ये कहकर कि कुछ पूछताछ करनी है। जब उतनी देर तक वापस नहीं आए तो मैं खुद ब्यूरो गई और वहां जाके देखा तो पता चला कि मेरी खुशियां कभी लौट कर नहीं आएंगी। नरेंद्र को मार डाला उन्होंने। लेकिन नरेंद्र जी का कसूर क्या था? बेगुनाह थे वो। सीआईडी वाले ड्रैगन नाम के आतंकवादी को पकड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना नरेंद्र को ही ड्रैगन बता के कुछ नाम कमा लिया जाए। लेकिन उनकी बात हुई कैसे? सीआईडी इंस्पेक्टर ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि नरेंद्र की मौत हो गई। कौन है वो सीआईडी इंस्पेक्टर? सीनियर इंस्पेक्टर दया। सूर इंडस्ट्रियलिस्ट नरेंद्र कुमार की पत्नी नेहा कुमार ने सीआईडी पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, उनके पति की हत्या का आरोप। जो सीआईडी अब तक सैकड़ों खूनियों को उनके किए की सजा दिलवा चुकी है, क्या आप वो वही मापदंड अपनाएंगे अपने उस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने नरेंद्र को मारा है? आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए। नेहा तो पूरी दुनिया के सामने सीआईडी के ऊपर कीचड़ फेंक रही है। सीबीसी, हम कब इनके पति को ऑफिस से लेकर आए? पर ये ड्रैगन को अपना पति कह क्यों रही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रैगन दोहरी जिंदगी जी रहा था? दुनिया के सामने नरेंद्र और पर्दे के पीछे ड्रैगन। हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी वो आतंकवादी ड्रैगन ही था। वो सर चाहे नरेंद्र हो या ड्रैगन, दया सर को उसे मानना नहीं चाहिए था। रेडी, तो क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कि दया जोश के वक्त भी होश नहीं खोता है। अपना गुस्सा उतारने के लिए वो कभी भी एसीपी साहब के ऑर्डर का अपमान नहीं करेगा। अभिजीत ठीक कह रहे फ्रेडी, बस मुझे भी यही लगता है कि दया इस आदमी की मौत का जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो फिर कौन हो सकता है सारुखी? वो कौन सकता है? इसके शरीर पर लगी हुई ये चोट, ये जख्म जो इसे दो दिन पहले लगे थे। दो दिन पहले? अगर चोट दो दिन पहले लगी तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जख्म बहुत होशियारी के साथ छिपाए गए थे, सेंडाइड ट्राइडिक्सिन नाम के एक पाउडर से जो कि मेकअप में काम आता है। इतना अच्छा मेकअप पाउडर के दो दिन तक नहीं निकला? पंकज, ये मेकअप पाउडर इतना स्ट्रांग होता है कि महीनों तक नहीं उतरता। लेकिन इसका मेकअप इसलिए उतर गया क्योंकि इसकी अंदरूनी चोटों की वजह से इसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई। उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसका हार्ट सीज हो गया, इसे पसीना आया और उस पसीने की वजह से ये मेकअप उतर गया। तो फिर हो सकता है सर ये ड्रैगन हो ही ना, ये नरेंद्र हो। नरेंद्र? बस इन चोटों के साथ साथ इस आदमी को दो दिन पहले हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपनी बोलने की ताकत खो चुका था। इसीलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। और अभिजीत, मुठभेड़ से पहले तो ड्रैगन के साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। इतनी बड़ी साजिश हमको गुमराह करने के लिए, ये सारा प्लान इस ड्रैगन ने रचा है। उसे पता चल गया था कि हम वहां हथियार बेचने के बहाने जाने वाले हैं, और इसीलिए ना तो हमें ज्यादा हथियार मिले और ना ही उसके ग्रुप के खतरनाक आतंकवादी। वही तो। और तो और, उसने अपनी शक्ल के नरेंद्र को अपनी जगह बिठा दिया ड्रैगन बनाकर, और फिर
उसे गिरफ्तार भी करवा दिया। हमसे पंगा ले रहा है वो। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस ड्रैगन को। पता लगाओ वो कौन सीआईडी ऑफिसर्स थे जिन्होंने नरेन को गिरफ्तार किया था। लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पति को तो आपने मार ही डाला है, अब क्या मुझे भी फांसी पर चढ़ाने आए हैं? देखिए, हम लोगों ने आपके पति को नहीं मारा, इसलिए बेवजह दुनिया के सामने सीआईडी को क्यों बदनाम करना? अगर आम लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया तो मदद के लिए किसके पास जाएं? तो क्या आम लोगों की गिनती में मैं और मेरे पति नहीं आते? क्यों उजाड़ दिया आप लोगों ने हमारा हंसता खेलता संसार? देखिए, सीआईडी ने कभी भी किसी का हंसता खेलता संसार नहीं उजाड़ा और ना ही उजाड़ेगी। नेहा जी, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि आपके पति को कौन से सीआईडी ऑफिसर यहाँ से ले गए थे? सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत और सीनियर इंस्पेक्टर अनुराग। प्रशांत और अनुराग? मगर इस नाम के तो कोई भी ऑफिसर सीआईडी में है ही नहीं। जब आप सीआईडी ब्यूरो आई थी तब वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ थे? नहीं, मैं नहीं जानती क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। जब वो मेरे पति को ऑफिस से लेके गए तब मैं घर पर थी। आपने नहीं देखा, लेकिन ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास ने जरूर देखा होगा। ड्रैगन ही था, लेकिन मुठभेड़ में ड्रैगन ने नरेन की जगह पे जाकर छुप गया, फिर अपनी जगह पे उसने नरेन को भेजा गिरफ्तार करवाने के लिए। मगर सर, उस दिन ऑपरेशन के बाद तो हमने यहाँ पे घंटों सर्चिंग की थी, अगर ड्रैगन यहीं पे छुपा हुआ तो फिर हमें मिला क्यों नहीं? वही तो, यहीं पे कहीं छुपा है, यहीं कहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस जमीन का कोना कोना छान मारो, उखाड़ो इस जमीन को। नकली सीआईडी वाले बन के नरेन को अपने साथ ले गए। क्या, नकली सीआईडी वाले? हाँ, और शायद ये सब ड्रैगन के प्लान का ही हिस्सा था। वो नरेन को ड्रैगन बनाकर हमें गुमराह करना चाहता था ताकि खुद किसी बड़े जुर्म को अंजाम दे सके। लेकिन नरेन ही क्यों? क्योंकि शायद आपके पति का चेहरा आतंकवादी ड्रैगन से काफी हद तक मिलता जुलता था। अच्छा, ये बताइए कि नकली सीआईडी वालों ने नरेन को अपने साथ ले जाने की कोई वजह बताई आपको? हाँ सर, उन्होंने कहा कि कंपनी के अकाउंट में कुछ हेरा फेरी हो रही है और इसीलिए उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी हेरा फेरी? सर, दरअसल पिछले महीने नरेन सर को पता चला कि उनके अकाउंट से 30 करोड़ रुपए गायब हैं। मगर जब मैंने अकाउंट चेक करके लेजर एंट्री दिखाई तो पता चला कि 30 करोड़ का चेक उन्होंने ही इशू किया है। ये चेक उन्होंने किसके नाम पे इशू किया था? 30 अलग अलग कंपनियों के नाम से। कोई कंपनी सिंगापुर में थी, कोई इटली में, कोई फ्रांस में। हमने उन कंपनियों को काफी ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। और सभी चेक्स पर नरेन के ही सिग्नेचर थे? हाँ सर, सिग्नेचर तो उन्हीं के ही थे, लेकिन उन्होंने कहा मैंने सिग्नेचर किए ही नहीं। हो ना हो सर, हूबहू उनके सिग्नेचर की कॉपी करके कोई गड़बड़ कर रहा है। सर, ऐसी गड़बड़ तो कोई पास वाला ही कर सकता है जो नरेन के काफी पास हो, जो आसानी से उसके चेकबुक और उसके अकाउंट तक पहुंच सकता हो। अच्छा, इस हादसे के बाद से कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसने ऑफिस आना बंद कर दिया? हाँ सर, नरेन सर के जाने के बाद अगले दिन से दीपक ऑफिस आना बंद कर दिया। अच्छा, ये दीपक नरेन जी के चेकबुक तक पहुंच सकता था? हाँ सर, अकाउंट्स में ही तो काम करता था वो। देखते हैं, जब नकली सीआईडी वाले यहाँ थे तो ये दीपक क्या कर रहा था। ये फुटेज फिर से दिखाओ। सर। हाँ निखिल। ये दीपक सर। पॉज करो, अब रिवाइंड करके फिर से प्ले करो।
देखा सर, तो नकली सीआईडी वालों ने दीपक की तरफ कुछ इशारा किया और दीपक ने नजरें चुरा ली। हाँ, और कोई भी इंसान नजरें तभी चुराता है जब तो उसके दिल में कोई मैल हो। दीपक का एड्रेस बताओ। या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं अर्पी ड्रैगन का पता करने आया था। अब सर ड्रैगन यहाँ पे दो दिन से छुपा हुआ था, उसने पहले से खाने पीने का इंतजाम कर रखा था सर यहाँ पे। यार लेकिन ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं आया था बताने के लिए, उस वक्त नरेन की पत्नी और वो वकील थे आपके साथ। गायब हो गया? लेकिन ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि ड्रैगन नहीं नरेन है? सर जब मैं नरेन से सवाल कर रहा था तो मैंने देखा उसके हाथों के सारी उंगलियां ठीक ठाक थी सर, कटी हुई नहीं थी। जबकि विराज ने मुझे बताया था कि ड्रैगन के दाएं हाथ की ये वाली उंगली सर, रिंग फिंगर, कटी हुई। ड्रैगन की हाथ की एक उंगली कटी हुई है। उस वक्त मैं समझ गया सर कि ये ड्रैगन हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सारा चक्कर समझ में आ रहा है, सारा चक्कर समझ में आ रहा है। कैसा चक्कर सर? यही ये ड्रैगन नरेन क्यों बना? नरेन क्यों सर? कोई ना कोई बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहा है ये ड्रैगन। मतलब सर? पंकज, हर आतंकवादी के पीछे देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस लगे रहते हैं, वैसे इस ड्रैगन के पीछे भी लगे थे, और इसीलिए तो पिछले साल भर में कुछ भी नहीं कर पाया, कोई भी हमला नहीं कर पाया। और इस झूठी मुठभेड़ के बाद लोगों को लगा कि ड्रैगन पकड़ा गया है, तो इंटेलिजेंस के जासूसों ने नजर रखना बंद कर दिया। एग्जैक्टली, इसी का तो इंतजार कर रहा था वो। अब वो अपने अगले हमले का प्लान कर रहा है, अगले हमले का। और सर लगता है इस बार हमला बहुत बड़े स्केल पे करने वाला है, तभी तो 30 करोड़ रुपए का घपला करवाया उसने नरेन की कंपनी में। और उन 30 करोड़ रुपयों से न जाने कितने हथियार, कितने बॉम्ब्स खरीदेगा ये ड्रैगन, और इस बार न जाने कितने मासूम देशवासी इसके निशाने पे हैं। दया, हमारे किसी भी देशवासी को हम कुछ नहीं होने देंगे। इससे पहले कि ये ड्रैगन हमारे देश को कोई आंच पहुंचाए, कुचल देंगे हम उसे। अरे मुकेश, ओ मुकेश, अरे आओ उधर। 14 तारीख कुंवर चिट्ठी से कुछ खुफिया सामान लेकर निकला था ये अपने ट्रक में, और उसका पूरा पेमेंट भी कैश में ही इसे मिल गया था। मुकेश, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, कोई गुनहगार नहीं। हम जानते हैं। अच्छा ये बताओ, 14 तारीख को जिस सामान की डिलीवरी तुमने मत जेटी से की थी, वो सामान था क्या? मुझे नहीं मालूम। मालूम? सामान को लोड करने से पहले चेक नहीं किया तुमने? सामान सील पैक था साहब, कुछ गत्ते के बक्से के अंदर। तुमने पूछा तो होगा उन बॉक्सेस में क्या है? हाँ पूछा था, तो दीपक जी ने कहा कि कुछ ग्लास का सामान है। दीपक? तुम इस दीपक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ साहब, यही है वो दीपक जी। उस सामान का वजन कितना था? यही कोई 200 किलो। 200 किलो? कहाँ छोड़ा था तुमने वो सामान? वो दहीसर पीक के आगे कामन गांव है, वहाँ एक मिल है, वहीं पे छोड़ा था। कामन गांव?
क्यों? इसे किसी ने मारा। बार ऐसा धमाका करेंगे कि पटाखों की गूंज लोगों के दिलों में बैठ जाएगी। मुझे उस वक्त का इंतजार है जब हमारे बनाए हुए बॉम्ब से मासूम लोग सड़कों पर घायल पड़े होंगे और खून से लथपथ तड़प रहे होंगे। मुझे माफ कर दो साहब। ये दीपक कहाँ मिलेगा? ये तो रॉकी भाई है साहब। रॉकी? ये तो ड्रैगन का खास आदमी है साहब। ड्रैगन इसके बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं करता है साहब। कहाँ मिलेगा ये रॉकी? साहब मुझे नहीं मालूम साहब, ना तो इनका कोई एड्रेस है ना कोई नंबर, बस वही मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं साहब। सारा आरडीएक्स यहीं पे है ना, या बॉम्ब बनाने के लिए कुछ शहर भेज दिया? नहीं साहब, सारा आरडीएक्स यहीं पर है साहब, चाहे तो आप चेक कर लीजिए साहब, पूरा 200 किलो है साहब। अजय सारा आरडीएक्स सीज कर लो। सर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब ड्रैगन नरेन बनकर एसीपी सर के सामने आया तब सर ने उसे पहचाना कैसे नहीं? दोनों के चेहरे इतने कैसे मिल सकते हैं सर? मिलता नहीं था श्रेया, जरूर ड्रैगन ने अपना चेहरा बदलवाया नरेन की तरह दिखने के लिए। लेकिन सर ड्रैगन ने नरेन को ही क्यों चुना? तुम्हें 30 करोड़ के घपले वाली बात याद है? हाँ सर। नरेन के कंपनी में दीपक के अलावा कोई और भी है जो ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। कोई और? नरेन की मौत से और किसे फायदा हो सकता है सर? नेहा। नरेन की मौत के बाद उसके अरबों की संपत्ति अब नेहा के नाम से हो गई है। नेहा मैडम बुलाओ, उनसे कुछ बात करनी है। मगर नेहा मैडम तो ऑफिस में नहीं है। नहीं, कहाँ गई? शायद निधि को पता होगा, वो उनकी पीए है। एक मिनट, निधि, निधि। क्या हुआ सर? तुम्हें पता है निया मैडम कहाँ पे हैं? पता नहीं, अचानक उन्हें किसी की चिट्ठी मिली और वो तुरंत पढ़कर चली गई। तो चिट्ठी अभी कैबिन में है? हाँ, उन्होंने पढ़ने के बाद उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। लगता ये है चिट्ठी सर, टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं। तो ये बात है, सब हो रही है नया की कार। ये नया तो गाड़ी भगाने लगी। लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा करें। जल्दी चलो। बहुत हो गया घूमना घुमाना, अब बाकी की सैर सीआईडी की गाड़ी में करना।
रॉकी अब तक आया क्यों नहीं? आ जाओ। रॉकी, गाड़ी से बाहर आ जा। गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जाके देखता हूं। सबसे खतरनाक आतंकवादी सामने बॉम्ब देखते ही पैंट गीली हो गई। कभी सोचा था बेचारे गरीब लोगों को उड़ाने के लिए बॉम्ब लगाते थे तब क्या बीतती होगी उन पर, क्या बीतती होगी उनके घर वालों पर? हाँ, तुम अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे एसीपी? अपने चारों तरफ देख, देख चारों तरफ। एक अकेले निहत्ते पे तुम सब सीआईडी वाले एक साथ वार करोगे क्या? तेरे लिए तो एक ही काफी है। अच्छा, सिर्फ एक? बुलाओ उसे। दया, इसे सिर्फ जान से मत मारना। नहीं सचिन, इसे तो दया संभाल लेगा।
जानाई। जानाई, छोड़ो उसे, हमारे देश का कानून उसे सजा देगा। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। हाँ, मैंने ही विराज का खून किया था। विराज जैसे ऑफिसर की लाश पे ही मैंने अपने आतंक का महल खड़ा किया था, जिसे तुम लोगों ने चकनाचूर कर दिया एक ही झटके में। तुम जैसे मुजरिमों के महल ईंट पत्थर के नहीं, ताश के पत्तों के जैसे होता है। कानून की हवा से यूं यूं ढेर हो जाते हैं। पर मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी देश छोड़ के भागने की, फिर तुम लोगों को कैसा पता चला कि मैं कहाँ हूँ? इसके जरिए, इस रॉकी के जरिए। इस रॉकी ने तुम्हारा सारा का सारा प्लान हमें पहले ही बता दिया था। तूने गद्दारी की मत से। रॉकी ने उसी दिन तुमसे गद्दारी की जिस दिन उसने तुम्हें नरेन बनने को दिया। क्या? हाँ, मैं नरेन की बीवी नेहा से प्यार करने लगा था। मैंने सोचा कि तुम नरेन बन जाओगे तो असली नरेन मेरे रास्ते से हट जाएगा और नेहा मेरी हो जाएगी। तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन यहां ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो मुझे ड्रैगन को ज्यादा देर तक कैद रख सके। हमारे देश का कानून तुम जैसे दरिंदे को जेल की सलाखें ज्यादा दिन नसीब नहीं होने देता, समझे? जल्द से जल्द फांसी होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।